Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में प्रोफेसर साजिद साहब, प्रोफेसर अनायास साहब, आप दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनियर फैकल्टी में से हैं और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इन दोनों के जो बड़े उस्ताद हैं डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के साबका वाइस चांसलर और इल्मी और तहकीकी मैदान में इनकी पाकिस्तान में और यूनिवर्सिटियों में बहुत शोहरत है, ये हमारे साथ शामिल होंगे। हम शुरू करेंगे पहले बात हिंदुस्तान से और मुझे बड़ी खुशी है कि इस मौजू पर हमारे साथ हमारे पुराने एम्बेसडर जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे बासित साहब, वो भी शामिल हैं, तो मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। तो देखिए, दुनिया का नक्शा बदल रहा है। सदर ट्रंप ने जो अपनी नई स्ट्रेटजी का ऐलान किया है उसमें उन्होंने चाइना और रूस को अपना मध्य मुकाबल बनवा कहा है और साथ उन्होंने ये कहा है कि वो हिंदुस्तान को इस खित्ते में और दुनिया में एक बहुत रोल अदा करते हुए देख रहे हैं। हिंदुस्तान ख़ुद भी ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में उसका रोल बढ़े ताकि वो सेंट्रल एशिया तक उसकी रसाई हो और हिंदुस्तान कश्मीर की तहरीक को एक बगावत या पाकिस्तान की मदाखलत करार देना चाहता है। इन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो बासित साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें और फिर हम ये तय करने की कोशिश करें कि जो हिंदुस्तान की पाकिस्तान से मुखालफत है उसकी असल वजह क्या है, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान जो ये सीज़ फायर वायलेशन कर रहा है इसके ज़रिए हमें दबाव में लाना चाहता है, हिंदुस्तान सी पैक के मनसूबों में किस तरह मदाखलत करेगा और क्या हम ये जो हिंदुस्तान के साथ हमारे तल्लुकात की बुनियाद है और हम भी इस जारियत का जवाब देना चाहते हैं, क्या इस जारियत का हम जवाब दे सकते हैं? इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा आखिर में हमें नुकसान पहुंचेगा? मुझे बड़ी खुशी है कि बासित साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। आपका हिंदुस्तान में एक ज़ाती तजर्बा है और मुझे मालूम है आपने हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की पॉलिसियों को बड़ी जुर्रत से हिंदुस्तान के प्रेस के सामने पेश किया। मैं चाहूँगा कि चंद चीज़ें जो मैंने आपके सामने उठाई हैं इस पे आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनरल साहब मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का, मैं मकबूल हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही हमें एक जंग करना पड़ी जम्मू और कश्मीर के मसले पर और उसके बाद 1965 में भी एक जंग हुई और फिर 71 में आपको जानते हैं, तो ये ताल्लुकात की जो हमारी नौयत है कोई नई नहीं है। ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं तो हमारी तारीख और हमारा जोग्राफिया की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स शुरू दिन से ही रहे हैं। अब 9/11 के बाद और फिर पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, अच्छे हों, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि उसकी बुनियादी वजह जो है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है जिसकी वजह से हमारे मामला अच्छे नहीं हो रहे। अगर आप 9/11 के बाद खसूसी तौर पे देखिए तो पाकिस्तान ने बहरहाल भारत को पेशकश की कॉम्पोजिट डायलॉग, उससे पहले 1998 में हुआ लेकिन 2004 में वो सिर्फ शुरू हो सका। उसके बाद से चले बहुत माजी में नहीं जाते, 2008 से आ जाते हैं, मुंबई अटैक हुआ, उससे भी पाकिस्तान ने भरपूर तारुफ पेशकश की लेकिन उससे भी कोई खास पेशकश हमारे भारत की वजह से नहीं हो सकी, उस पर एक सेपरेट प्रोग्राम की भी ज़रूरत है। फिर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आ जाते हैं मोदी सरकार के दौर में, उसमें आप अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में जब मोदी साहब आए तो हमारे उस सबके वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि इन्होंने इनॉग्रेशन की थी मोदी साहब की, उसको अटेंड किया और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त ये जेस्चर था भारत को, इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने उसके उसमें कोई ख़ास पजीराई नहीं थी, बहुत मुखालफत भी थी, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने एक इख्तिताम उठाया और उस एक बहुत बड़ा जेस्चर था मैं समझता हूँ। उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान ने बारहा कोशिश की है कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो लेकिन भारत ने हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुज़ाकरात से फरार हासिल किया है। अब मैं बासित साहब थोड़ा सा मैं थोड़ा बासित साहब मैं थोड़ी सी मुदाखलत करते हुए आपसे ये भी पूछूंगा
आप इस पर भी रोशनी डालें। आपने कहा कि असल बुनियादी वजह हमारी जो तनाजात हैं उसकी वजह कश्मीर का तनाज़ है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, मैंने जो खुद अब पढ़ा इन दिनों बीजेपी के कल परसों उनके एक लीडर की भी स्टेटमेंट आई थी, क्या पाकिस्तान दुश्मनी जो है ये हिंदुस्तान की सियासत का अब हिस्सा बनकर एक मकबूलियत हासिल करने का जरिया नहीं बन चुकी? अब मैं उसी तरफ आ रहा था, अगर आप बुनियादी तौर पे देखें तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है और इसका इतराक एहसास आपको हिंदुस्तान में रहकर ही होता है। खास तौर पे जो हिंदी और काउ बेल्ट है उसमें पाकिस्तान के वजूद को अगर आप मुझसे पूछे तो सही मानों में तस्लीम ही नहीं किया गया, और बहुत उसके हवाले से भारत में इस एक एहसास आया जाता है कि जो भारत या हिंदुस्तान की तकसीम हुई है वो गलत हुई है। और दूसरी उसकी बुनियादी वजह यह है कि जम्मू और कश्मीर का चूंकि तनाज़ एक बार से चल रहा है तो भारत की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान को एक अनस्टेबल हवाले से रखा जाए, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। इस वजह से हम देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिकली टेक ऑफ करना चाहा, चाहे वो 2000 के या उसके बाद के भी, तो भारत ने हमेशा ऐसे इकदाम किए जिससे पाकिस्तान मैं एक दफ़े दोबारा मुदाखलत करते हुए आपसे यह भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि फिर हमने अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू करनी है। मैं कश्मीर को बीच में लाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज ही कुलदीप नैयर साहब का भी आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान की कश्मीर में कोई पॉलिसी नहीं है और हिंदुस्तान को नई पॉलिसी बनानी जाएगी। मेरा आपसे सवाल ये है, कश्मीर के नहत्ते मुसलमान जो हैं या नहत्ते आज़ादी पसंद, मैं मुसलमान भी नहीं कहूँगा, वो जानों का नजराना देखकर इस तहरीक को चला रहे हैं, दुनिया इस तहरीक में अभी तक उनके साथ हमदर्दी नहीं दिखा रही, तो क्या सिर्फ बर्बरियत के जोर पर हिंदुस्तान कश्मीर की तहरीक से निपट सकेगा? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कुलदीप नैयर साहब के हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं है, उनकी बड़ी पॉलिसी वाजे है कश्मीर की हद तक, क्योंकि उनको मालूम है कि मेन स्ट्रीम इंडिया में जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है उस पर कश्मीर पे वो इंडिफरेंट हैं। वहाँ पे अगर 100 कश्मीरी मर जाए एक दिन में, 200 मर जाए तो मेन इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर पे देखिए आरएसएस और बीजेपी की बुनियादी पॉलिसी है कि इन द लॉन्ग टर्म वो इसको ट्राइफर्केट करना चाहते हैं, इसको तीन हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, लद्दाख, जम्मू और दिल्ली, उसके लिए काम कर रहे हैं। उसमें जो बुनियादी रुकावट है वो आर्टिकल 370 है, उसको भी वो किसी न किसी कानूनी शिकल में, आज तो नहीं बट 5-10 साल के अरसे के बाद, 20 साल के अरसे के बाद उनकी पॉलिसी यही है। और दूसरी तरफ ये है कि जो रेजिस्टेंस है उसको ये बावर करवाना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर लें जम्मू और कश्मीर को हम आपको खुद इरादत किसी तौर पर नहीं दे सकते। बासिर साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुदाखलत करूँगा क्योंकि हम बहस की तरफ आना है। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप बासिर साहब हमारे साथ थे और हमने बड़ी उनसे मुफीद बात सुनी। मुजाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि कई लोग कहते हैं कि ये सारा हिंदुस्तान के साथ तनाज़ा तो फौज ने खड़ा किया है, कि अमन की आशा, भाई भाई बन सकते हैं। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को तल्लुकात तो कैसे देखते हैं? 1947 में जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पे चढ़ाई की थी तो उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज तो तकरीबन उसका वजूद ही नहीं था, ना होने के बराबर, तो उस वक्त तो फ़ौज ने सिलसिला नहीं किया था और ये बात दुरुस्त नहीं है। असल बात यह है कि हिंदुस्तान की क़यादत के ज़हन को समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की क़यादत इंतहाई मुतासब और इंतहाई एक गैर इंसानी फ़लसफ़े की हामिल क़यादत है। इन्होंने हर जगह जहाँ इनको मौका मिला है इन्होंने अस्करियत के ज़रिए ही अपनी मर्ज़ी की बात मुसल्लत की है। कश्मीर में इन्होंने एक हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया, जूनागढ़ में आप देखते हैं, गोवा में आप देखते हैं, फिर उसके बाद इन्होंने श्रीलंका में तामिल टाइगर्स खड़े करके वहाँ एक सूरत हाल पैदा की। मैंने खुद BBC पे खुद ये प्रोग्राम सुना था, इंदिरा गांधी की ज़िंदगी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी, तो उसमें इंटरव्यूअर ने, जनरल मानेकशॉ थे उनके उस वक्त जो सरबराह थे फ़ौज के, कहने लगे जब असेंबली मुलतवी हुई तो मुझे इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया और मुझे ये कहा, और ये अल्फाज मुझे आज तक याद हैं, आई वॉन्ट यू टू मार्च ऑन ढाका। तो मानेकशॉ कहने लगे कि मैंने कहा दैट मीन्स वॉर,
उसने कहा आई डू नॉट केयर व्हाट इट टेक्स, आई वांट यू टू मार्च इन ढाका। उसके बाद कहते हैं कि आप देखें ना, अगर जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है, अगर हम हाफिज सईद सिर्फ खाली जेल में नहीं है और इंडिया में इतना बड़ा तूफान है जी हाँ, वो अगर आप उस अंदाजे देखें तो इतना शिद्दत पसंद आदमी उन्होंने एक ऐसी रियासत में 20% मुसलमान लगाकर एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो किस तरह हिंदुस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं।